ज्ञानवापी मामले पर हम बात करेंगे। गिरिराज सिंह से सर कोर्ट का फैसला आ गया है, हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको स्वीकार की गई है, अब इस पर सुनवाई होगी। सच सच होता है, हम सच के साथ हैं और हमने पहले भी राम जन्मभूमि में सच का सहारा लिया और कानून के साथ रहे, मुझे न्याय मिला और न्याय पर मुझे भरोसा है न्यायालय पर। क्या ये सच नहीं है कि सनातन भारत में भारत के संस्कार और संस्कृति आराध्य के रूप में काशी मथुरा और अयोध्या के पहचान के बगैर भारत का पहचान नहीं है? क्या मेरे लिए कोई दूसरा मक्का मदीना है? आपने देश को तो बांट दिया, हमारी मंदिरें टूट गई, बहनें लूट गई, अब हम यहां भी अपने आराध्य को ना पूजे? क्या ये सच नहीं है? मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि इन लुटेरे औरंगजेब ने, गजनी ने, बाबर ने हमारे आराध्य को लूटा कि नहीं लूटा? अगर लूटा, ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद, आजादी के बाद उसने और संपोषण किया तुष्टिकरण के तहत, अगर वो संपोषण ना किया होता तो आज ये स्थिति नहीं। इधर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं नीतीश जी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन नेता कौन होगा इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वोट जनता के पास है, इन लोगों के पास किसी के पास वोट नहीं है। और नीतीश बाबू तो एक सफल सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए। बीजेपी ने 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनाया और उन 115 सीट से आकर के 143 सीट पर आ गए। जो व्यक्ति 17 साल में सीएम मटेरियल नहीं बन पाया, क्या वो पीएम मटेरियल बनेंगे क्या? इलाका है सीमांचल, तो सत्ता पक्ष से कहना है कि माहौल खराब करने आ रहे हैं, आखिर सीमांचल को ही क्यों चुने? भाई सीमांचल बिहार राज्य में है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या भारत का अंग है कि नहीं है? क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का अंग है क्या? और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं कि नहीं? तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? नफरत वो फैलाएं और इल्जाम मुझ पर लगाएं? अगर वो 500 स्कूलों में नफरत का बीज बो रहे हैं, एक देश एक कानून के बदले सरिया कानून, मजहबी कानून, वहां शुक्रवार को छुट्टियां हो रही है और नफरत हम फैला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या यूपी की तरह बिहार में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए? मैं निश्चित मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जोगी जी के राह पर चले और जोगी जी ने जैसे गरीब मुसलमान बच्चों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, बिहार में भी सर्वे होना चाहिए। पूरे सीमांचल राज्य से लेकर पूरे राज्य में ये तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ करके ये मदरसों की समीक्षा करें, सर्वे कराएं, नहीं तो जनता आती है सिंहासन खाली कर। ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।